अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज़ सर्वर 2016 की इंस्टॉलेशन कैसे की जाती है VMware Workstation Pro 16 पे। तो चलते हैं VMware Workstation 16 Pro पे। यहाँ पे क्रिएट ए न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करना है, देन टाइप रिकमेंडेड, नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे आपको विंडोज़ सर्वर 2016 सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे इसकी लोकेशन देनी है, मैं लोकेशन इसकी देता हूँ दिस कंप्यूटर एंड पार्टीशन डी। यहाँ पे ओके पे क्लिक करें, देन नेक्स्ट कंटिन्यू। और इसकी स्टोरेज जो है आप 6 GB रहने दें और स्टोरेज विजुअल डिस्क एज सिंगल फाइल पे क्लिक करें और देन नेक्स्ट। यहाँ पे कस्टमाइजेशन हार्डवेयर पे क्लिक करें और न्यू CD/DVD सेटअप पे क्लिक करें और यूज़ ISO इमेज और ISO इमेज की यहाँ पे बात दें। मैंने डी में रखे हुए ISO फाइल्स 2016, नाउ आई एम फंडिंग द 2016। विंडोज़ सर्वर 2016 जी, विंडोज़ सर्वर 2016 क्लिक करें, क्लोज देन फिनिश। और जी तो ये मशीन क्रिएट हो चुकी है। आप एडिट वर्चुअल मशीन पे क्लिक करें, देन ऑप्शन पे एडवांस और बायोस को चूज़ करें और ओके। और यहाँ पे अब इसको स्टार्ट करना है पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लोडिंग फाइल्स सेम एज इट इज़। जैसे हमने विंडोज़ सर्वर 2019 इंस्टॉल किया है, इसी तरह विंडोज़ सर्वर 2016 का प्रोसेस है। तो कुछ सेटिंग्स हैं जो कि इंस्टॉलेशन के बाद सेटिंग की जाएंगी। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे इसको इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंस्टॉल लो और सेटअप इज स्टार्टिंग। जी तो यहाँ पे आपको विंडोज सर्वर 2016 स्टैंडर्ड एवेल्युएशन डेस्कटॉप एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है, देन नेक्स्ट। आई एक्सेप्ट दिस लाइसेंस, कस्टम इंस्टॉलेशन, देन नेक्स्ट। जी गेट एम फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन के लिए कुछ टाइम चाहिए, तो यहाँ पे मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ, देन हम स्टार्ट करेंगे। जी तो 93% हो चुका है, तो वीडियो मैंने दोबारा स्टार्ट कर दी। गेट एक फाइल्स रेडी फॉर इंस्टॉलेशन के बाद इंस्टॉलिंग फीचर्स और इंस्टॉलिंग अपडेट्स, देन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट होगा आफ्टर 10 सेकेंड।
जी अब 10 सेकंड का टाइम होगा तो हमने रिस्टार्ट नोड पे क्लिक कर देना, देन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाएगा। यस रिस्टार्ट नाउ। जहाँ पे कुछ टाइम लगेगा 1 से 2 मिनट। जी अब रिस्टार्ट अगेन। ऑलमोस्ट हमारे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी डिवाइस रेडी हो रही है। देन हमने यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करनी है, जैसे कि हमने विंडोज़ सर्वर 2019 पे की थी। जी ऑपरेटिंग सिस्टम रीस्टार्ट हो चुका है। देन यहाँ पे कुछ क्रेडेंशियल्स देने हैं, लाइक पासवर्ड। पासवर्ड में अपर केस करेक्टर्स भी होने चाहिए, लोअर केस करेक्टर्स भी होने चाहिए, और इसके साथ सिंबल्स और नंबर को यूज़ करते हुए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड का पी बड़ा और एक ही जगह पे @ एंड SSS और WO की जगह पे 0 और RD लिखूँगा, तो ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल है। इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है बट एक वे है। PRSSW0RT ये आप देख सकते हैं। फिनिश। जी तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे VM एंड सेंड कंट्रोल Alt+del। यहाँ पे हम पासवर्ड देंगे PRSSW0RD। एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट हमारा ये, जब जो हमने ये क्रेडेंशियल्स दिए थे, अब लॉगिन हो रहा है। जी यहाँ पे हमें कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, सर्वर मैनेजर स्टार्ट होगा और सर्वर मैनेजर पे हमने कुछ सेटिंग्स करनी है, देन हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। यस ये इंटरनेट कनेक्शन। देन यहाँ पे सर्वर मैनेजर स्टार्ट हो चुका है। राइट क्लिक करके हम पर्सनलाइज और यहाँ पे कुछ आइकॉन जो है वो इंसर्ट कर देते हैं इससे पहले। यहाँ पे थीम पे क्लिक करें, देन डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग
और ये कंप्यूटर अप्लाई। ओके सो ये हमारा सर्वर मैनेजर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे एक पॉपअप मेन्यू शो होगा, उसको हमने चेक करके क्लोज कर देना। डॉट शो अगेन, तो उससे पहले हम यहाँ पे मैनेज और सर्वर मैनेजर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करते हैं। देन यहाँ पे क्लिक करते हैं डू नॉट स्टार्ट सर्वर मैनेजर ऑटोमेटिकली एट लॉग ऑन। जैसे कि अभी हमने सर्वर की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुई है, तो ये सर्वर मैनेजर स्टार्ट हो गया, तो नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। ओके यहाँ पे एक पॉपअप मेन्यू आता है, तो अभी हम क्लोज करते हैं। अभी इस दफ़ा शो नहीं हुआ, तो नेक्स्ट टाइम हम उसको डॉट नो पे कर देंगे। तो आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर राइट, जिस कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके देख सकते हैं कि ये विंडोज़ 2016 सर्वर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो ये था विंडोज़ सर्वर 2016 की इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। अब हम वीडियो वीडियो को पॉज करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पैरट ऑपरेटिंग सिस्टम डीबियन बेस कैसे इंस्टॉल करते हैं।